नमस्कार, सी न्यूज भारत के इस न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे आगर मालवा की, जहां भैरव पूर्णिमा पर केवड़ा स्वामी भैरव मंदिर में भक्तों की लगी भीड़, और दिखाएंगे बदायूं में कैसे भगवान बुद्ध के चित्र पर माल्यार्पण कर मनाई गई भगवान बुद्ध की जयंती। आगे चर्चा करेंगे मेरठ की, जहां बदमाशों ने मारपीट कर एक घर पर गोलियों से किया हमला। ऐसी तमाम खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज भैरव पूर्णिमा पर मोती सागर तालाब स्थित केवड़ा स्वामी भैरव मंदिर में भैरवनाथ की पूजा विधि विधान से की गई। प्रसिद्ध मंदिर का आकर्षक श्रृंगार कर भैरवनाथ को चोला चढ़ाया गया। भक्तजनों ने दाल बाटी चूरमे का भोग भी लगाया। साल में एक बार भैरव पूर्णिमा को भैरव पूजन घर घर में की जाती है, और जिन परिवारों के कुल भैरव हैं वह आकर पूजन अर्चन करते हैं। इसी को लेकर आगर स्थित केवड़ा स्वामी भैरव मंदिर में राजस्थान गुजरात से आए भक्तजनों ने अपने कुल देवता भैरव महाराज की पूजा अर्चना की और मंदिर परिसर में दाल बाटी चूरमा बनाकर भैरव को भोग लगाया। ऐसा कहा जाता है कि भैरव महाराज को प्रसन्न रखने के लिए भैरव पूजन करने पर परिजनों को कोई आपदा नहीं आती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए मध्य प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों के परिजन भी यहां पर आते हैं और भैरव महाराज के दर्शन कर पूजा अर्चना कर भोग लगाते हैं। आगर मालवा से सीनियर संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। भगवान बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में एक संगोष्ठी का आयोजन क्षत्रिय महासभा बदायूं के जिला उपाध्यक्ष रवि प्रताप सिंह के आवास विकास बदायूं स्थित आवास पर आयोजित किया गया। सर्वप्रथम उपस्थित जनों द्वारा भगवान बुद्ध के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर विचार व्यक्त करते हुए महाराणा प्रताप विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष हरि प्रताप सिंह राठौड़ एडवोकेट ने कहा कि इक्ष्वाकु वंश में जन्मे भगवान बुद्ध के विचारों में सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान है। उनका मानना था कि जीवन में दुख का कारण इच्छाएं हैं, लेकिन इन्हें ज्ञान द्वारा समाप्त किया जा सकता है या अच्छे कर्म या आष्टांगिक मार्ग द्वारा संभव है। उन्होंने अलौकिक शक्तियों के बजाय विवेक एवं तर्क पर जोर देने का उपदेश दिया। संगोष्ठी में प्रमुख रूप से महाराणा प्रताप विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष हरि प्रताप सिंह राठौड़, एडवोकेट वरिष्ठ ट्रस्टी धनपाल सिंह, क्षत्रिय महासभा बदायूं के प्रदेश कोषाध्यक्ष डॉ. सुशील कुमार सिंह, जिला संयोजक मुनीश कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष राकेश सिंह, सुरेश सिंह सिसोदिया आदि लोग उपस्थित रहे। बदायूं से सीनियर संवाददाता आकाश पाठक की रिपोर्ट। भदोही में विशाल जनसभा समारोह संपन्न। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित विशाल जनसभा समारोह संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, 78 लोकसभा के प्रत्याशी डॉक्टर विनोद बिंद के लिए वोट मांगे। कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद चुन के दिल्ली जाएगा, वह डॉक्टर विनोद बिंद रहेंगे। भदोही की जनता निर्णय कर चुकी है, डबल इंजन की सरकार तीसरी बार कमल खिला रही है, 400 के पार जीत करके सरकार बनने जा रही है। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जिन्होंने समाज में वह तिलस्म तोड़ दिया। अब जाति के नाम पर वोट नहीं कोई मांग सकता, इसलिए कि किसी ने पूछा है, लोगों ने पूछा है कि भैया जाति के नाम पर इतना दिन बांट के रखे। आज धर्म के नाम पर भी आपसे कहना चाहता हूं, एक मुसलमान भी सोचता होगा कि जिसको आवास मिला, जिसको अनाज मिल रहा है, जिसके घर में विधवा वृद्धा पेंशन मिल रहा, जिसके घर में उसका दिव्यांग बेटा पेंशन पा रहा, जिसके घर में कोई बुजुर्ग होगा अटल पेंशन पा रहा है, जिसके घर में हो सकता है गांव में रहता हो तो कुसुम सोलर पंप से लेके सिंचाई कर रहा होगा, आयुष्मान का कार्ड उसकी जेब में पड़ा है, घर के दो दो तीन तीन लोगों का कार्ड बना हुआ है, क्या लेगा वो, क्या चाहिए उसको। कभी किसी ने किसी की जाति नहीं पूछा, सबका साथ है। आप सरकार बन गई है, जिसने जो कहा वो करके दिखाया। मानते हैं कि नहीं मेरी बात को, मेरी बात से सहमत है आप लोग? कभी सपने में नहीं सोचती थी कि कश्मीर के माथे का कलंक एक झटके में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार मिटा देगी। भदोही से सीनियर संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो जिसमें आरक्षी द्वारा असलाह से फायर करते हुए की वीडियो अपलोड की गई।
मामले की जानकारी की तो पाया कि उनके द्वारा रैंडमली वीडियो डाउनलोड कर अपलोड किया गया था, जो कि डिलीट कर दिया गया है। उक्त मामले की जांच की जा रही है, जिसके संबंध में एएसपी द्वारा जानकारी दी गई है। देखिए, एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ कि आरक्षी शिवम पवार द्वारा एक वीडियो अपने फेसबुक अकाउंट पे अपलोड की गई है, जिसमें उसमें असलाई से फायर करते हुए दिखाया गया है। इस प्रकरण की जांच की गई तो पता चला कि आरक्षी शिवम पवार थाना रसूलपुर में नियुक्त हैं और वर्तमान समय में वो चुनाव ड्यूटी में बाहर गए हुए हैं। जो उनसे जानकारी प्राप्त हुई कि उन्होंने रेंडमली इसे वीडियो को डाउनलोड करके अपने प्रोफाइल पर उसे अपडेट किया था और उसको उनके द्वारा डिलीट कर दिया गया है। फिर भी इस प्रकरण की जांच की जा रही है कि इस तरह का वीडियो उन्होंने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर क्यों अपलोड किया। नियमानुसार इसमें आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। एक बार फिर गोलियों की थर्राहट से गूंजा थाना परतापुर क्षेत्र का कुंडा गांव। बदमाशों ने मारपीट कर घर पर गोलियों से किया हमला। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने मौके से दो खोखे बरामद किए हैं। पहले भी बदमाशों की फायरिंग करते हुए कुंडा गांव का सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ था। 8 से 10 बाइक सवारों द्वारा हमला किया गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मामला परतापुर थाना क्षेत्र के कुंडा गाँव का है। भैया, आपका क्या नाम है और आज आपके यहाँ पे क्या घटना? सर, मेरा नाम फूल कुमार पासवान है और हमारे घर पे सर गोली चली है। मैं घर से बाहर था। मैं 24 घंटे की ड्यूटी करता हूँ, फैक्ट्री में रहता हूँ। और उसके बाद जो है यहाँ पे गोली चला। मेरे पापा ने मुझे फोन किया कि बेटा घर पे गोली चला है, तो मैं फिर तुरंत बिना ड्यूटी ऑफ किए हुए मैं यहाँ पे आया हूँ। क्या राउंड फायरिंग हुई है? जी, यहाँ पे मेरे घर पे 2 राउंड फायरिंग हुई है, जो कि एक शटर पार करके अंदर कमरे तक गया है और मेरे बेटे को उन्होंने जो है मारा है और मेरी माँ को सिर में जो है ईंट मारा है उन्होंने। बेटे का क्या नाम है? बेटे का नाम प्रेम कुमार है। जिन्होंने फायरिंग किया था, मैं जानते हैं? हाँ सर, मैं जानता हूँ उनको। विपुल नाम है उनका, राहुल घायल है और एक का सर नाम नहीं जानता, बाइसिकल उनको जानता हूँ मैं। लड़के तो थे, जो बता रहा है मैं तो था नहीं, मेरे बेटे बता रहे हैं कि 10-12 लड़के थे वे लोग। 4-5 बाइक थी, हर एक बाइक पे 3-4 लड़के थे, जो कि एक मेरा पड़ोसी है, इसको भी मारने की धमकी दिया है। मेरठ से सीनियर संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।